सब्सक्राइब करें केएस टेक्निक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन और आप देख रहे हैं केएस टेक्निक्स चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों यहां पर मुझे फ्लिपकार्ट से पार्सल अभी मिल गया है। तो दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था रेडमी नोट 5 प्रो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फ्लिपकार्ट का मैंने फ्लिपकार्ट से मुझे अभी मिल चुका है, तो मैं इसे आपके सामने अनबॉक्सिंग करके बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो पहले आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सही से दिखाई देता है या नहीं आपको, चलिए देख लीजिए क्या लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है शिपिंग कस्टमर एड्रेस किशन से अलसी चौहान बेडसना दरबार वास। तो दोस्तों मैंने जो भी एड्रेस लिखा था वो सही है, जो मैंने एड्रेस लिखा था वही एड्रेस है। और ऊपर जो मैंने EMI से परचेज़ किया है और नीचे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर पैसा लिखा नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पैसा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये पार्सल बीच में से कोई इसमें से मोबाइल निकालने ले, इसलिए दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो आप देखे यहाँ पर आपको क्लियर दिखाता है नहीं, यहाँ पर आपको दोस्तों इसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ तो आपको देखना है। तो मैं आपके सामने इसे काटता हूँ, ये है ब्लेड, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, इसे मैं काट लेता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से काट लेता हूँ इस तरीके से, ओके। तो दोस्तों ये जो बॉक्स गया है कंप्लीट, मैंने इसे काट लिया है। तो आइए हम बैक कैमरा से चेक कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पर इस तरह से काट लिया है। तो आपको इस तरह से काटना है, कोई भी प्रोडक्ट आप अनबॉक्सिंग करते हैं तो ध्यान रखेगा कि यहाँ पर आपको इस तरह से काटना है। जैसे कि इस बॉक्स को ध्यान से आप देखें और जो ये बॉक्स है इसको थोड़े दिन के लिए रखना है, क्योंकि हो सके उसमें से कुछ गलत चीज़ ना निकले तो रिटर्न करना पड़ता है। तो मैं आपको बैक कैमरे के सामने ले चलता हूँ और इसे आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये कैसी प्रोडक्ट है। तो आप ये प्रोडक्ट के बारे में प्लीज़ उसका जो रिव्यू मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ अच्छी है नहीं अच्छी है, तो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो यहाँ पर मैं आपको बैक कैमरे के सामने ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा ना रेडमी नोट 5 प्रो फ़ोन। अभी तक मैंने इसे बिल्कुल वैसा ही रखा है, इस पार्सल को मैंने बिल्कुल काटा है लेकिन इस तरह से ही खोला नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए रिटर्न एड्रेस ब्लॉक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स लोकेट, तो ये जो है पूरा एड्रेस है। और यहाँ पर देखिए ये जो पूरा एड्रेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस तरह से पार्सल मिलता है। तो आपको आप भी इस तरह से अनबॉक्सिंग करिए ताकि आपके साथ धोखा ना हो। तो यहाँ पर आप मैं इसे ये देखिए फ्लिपकार्ट प्लस फ्री फास्ट शॉपिंग, यहाँ पर देखिए अर्ली एक्सेस टू सेल, और यहाँ पर मैं इसे घुमा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से फ्लिपकार्ट का पार्सल हमें इस तरह से मिलता है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, इसको कैसे अनबॉक्स करेंगे, यहाँ पर किस तरह से ओपन करना है। तो यहाँ पर चलिए ओके, इसे हम एकदम से निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको फटना नहीं चाहिए, इसे इस तरह से ही निकाल देना है, जिससे कि मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो मैंने बॉक्स है इससे
कंप्लीट। यहाँ पर देखे, यहाँ पर इस बॉक्स को मैंने कंप्लीट ओपन कर लिया है, तो इसे इसी तरह से हमें ओपन करना था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्या है ऊपर, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सबसे पहले ऊपर है बिल है। यहाँ पर आप देखिए, उसका बिल है 15, उसकी प्राइस है, प्राइस काफ़ी कम है, और ये जो 16,999 में मुझे टोटल कीमत है, देखिए यहाँ पर 16,999 है, उसमें GST लगी है, इसलिए आप देखिए यहाँ पर 15,000। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए क्लियर आपको दिखाई देता है या नहीं। चलिए मैं आपको इस बिल को यहाँ पर रखता हूँ, और मैं थोड़े आपके सामने नज़दीक आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से फ्लिपकार्ट बिलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखिए अभी तक क्लियर नहीं दिखाई देता है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पूरा एड्रेस है, और आपको आप भी जो भी है आप इस तरह से ज़रूर अनबॉक्सिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर आप अनबॉक्सिंग करते हैं ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए, ताकि आप अनबॉक्सिंग करेंगे उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तक मैंने मोबाइल को पूरी तरह से ओपन नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए जो सिग्नेचर है और उसकी कीमत है, यहाँ पर क्वांटिटी है, और क्वांटिटी है यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर IGST है, और इस तरह से ये जो बिल है पूरा बिल है, और यहाँ पर जो सोल्ड बाय जो सेलर है उसका एड्रेस है। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर, तो दोस्तों ये जो सेलर का एड्रेस है, रजिस्टर ऑफिस है, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस, इस तरह से आपको बिल मिल जाएगा। तो आपको इसे मेंटेन करना है जब तक मोबाइल को कुछ ना हो। तो यहाँ पर मैं, हाँ ये जो बबल्स वाला है, और मैं इसको साइड में रख लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये है Redmi Note 5 Pro, और यहाँ पर भी लिखा है Redmi Note 5 Pro। यहाँ पर पूरी तरह से पैकिंग है, और यहाँ पर इसे किस तरह से ये गोल्ड कलर शो हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये लिखा है गोल्ड, और ऊपर देखिए इससे मैं आपको, यहाँ पर जो मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत कम है, काफ़ी अच्छा नहीं दिखता है रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखिए Redmi Note 5 Pro, ये दोस्तों मेरा जो सैमसंग का जो रिज़ल्ट बहुत कम था, इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। यहाँ पर देखिए ये जो पूरी एड्रेस, मतलब कि उसका जो डिटेल्स है आप पढ़ सकते हैं, 5.99 इंच का है, और यहाँ पर कैमरा का भी है 12 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, और फुल एचडी डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, यहाँ पर आप देखिए 636 स्नैपड्रैगन पर ये काम करेगा, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर उसकी बैटरी है 4000 mAh बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पर बैटरी भी काफ़ी अच्छी बात है, और बैटरी भी लंबे समय तक रहती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी कम दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मोबाइल के अंदर जो लिखा हुआ है काफ़ी इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर 6 GB रैम, 64 GB, और यहाँ पर ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, 15.2 cm, 599 FHD प्लस डिस्प्ले। तो यहाँ पर इस तरह से फुल डिस्प्ले में ये शो होगा, 20 MP का फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा यानी कि, और 12 MP का ड्यूअल कैमरा की। यहाँ पर आपको पीछे आपको ड्यूअल कैमरा मिल जाएगा, MIUI एंड्रॉयड सिस्टम ये है, और यहाँ पर देखिए ये जो पूरा, और मेड इन इंडिया, यहाँ पर दोस्तों मेड इन इंडिया में, मतलब कि यहाँ पर जो ये फ़ोन मेड इन इंडिया में नहीं बनता है, लेकिन चाइना में बनता है, तो उस पर मार्क, मतलब कि जो इंडिया वाले उसका खुद का मार्क लगा देते हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे, यहाँ पर देखिए स्टिकर है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट www.mi.com। और यहाँ पर आप देखिए, और इसे मैं घुमा के बता देता हूँ, रेडमी नोट 5 प्रो है, mi.com, और इंडियन नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रेडमी नोट 5 प्रो लिखा है, यहाँ पर भी रेडमी नोट 5 प्रो लिखा है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इतना दूर रखना पड़ता है। रेडमी नोट 5 प्रो गोल्ड कलर, 6 GB रैम, प्रोडक्ट नेम मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इसकी कीमत लिखी है। तो दोस्तों मुझे ये फ़ोन है तकरीबन 17,000, यानी कि यहाँ पर कितने लिखा है बिल में, बहुत कम लिखा है, मतलब कि 18,000 में ये फ़ोन मुझे मिला है। तो यहाँ पर देखिए अडोप्टर सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये सब कुछ पढ़ के बताऊँगा तो ये जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे एक बार क्या बात है, इसे तोड़ देते हैं। तो हम चलिए इसे घुमा देते हैं। दोस्तों हम इसे यहाँ से तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इसे तोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी कमाल का ये बॉक्स है, आपको बॉक्स इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पर कोई स्टिकर है या नहीं, यहाँ पर मेरे पास ब्लेड थी, कहाँ पर गई। दोस्तों ये जो इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए, वरना वापस करना चाहिए। जो बॉक्स से इस यहाँ से कुछ भी चीज़ टूटी हुई नज़र आती है तो आपको वापस कर देना चाहिए। तो मैं इसे काट देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे काट दिया है, और ये जो काफ़ी, चलिए इस थोड़ा दूर रख लेता हूँ, और चलिए 9 मिनट का वीडियो बन गया है। और इसके काफ़ी मजबूत है। चलिए चलिए इसे काटना पड़ेगा यहाँ से। देखिए एक कंप्लीटली खुल गया। तो दोस्तों ये है फ़ोन रेडमी नोट 5 प्रो का। तो चलिए, काफ़ी इसका लुक मज़ेदार लुक है, जैसे ही मैंने सोचा था वैसे ही है। यहाँ पर ड्यूअल कैमरा है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर लिखा है रेडमी नोट 5 प्रो, यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रेडमी नोट 5 प्रो यहाँ पर लिखा है, और सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों जो मेरा फ़ोन है, यहाँ पर गोल्ड कलर का है, आगे से थोड़ा वाइट आएगा। तो ये था रेडमी नोट 5 प्रो। तो मैं इसे साइड में रख लेता हूँ, उसके बाद बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये है, उसके नीचे यहाँ पर आपको देखना है कोई है, कोई चीज़ है या नहीं। दोस्तों इसके अंदर है, ये जो है सेफ्टी के लिए दिया गया है, जो इसका बैक कवर है काफ़ी कमाल का है, इसे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से लगा देता हूँ, तो काफ़ी कमाल का है ये, सेफ्टी के लिए दोस्तों ये दिया जाता है, काफ़ी कमाल का। ये जो है आप देखिए, यहाँ पर ये फ़ोन देखिए, उसमें पीछे आपको इस तरह से
माइक्रोफोन दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये चार्जर है और ये माइक्रोफोन है और ये भी माइक्रोफोन है। उसके बाद देखिए ईयरफोन के लिए है और ऊपर देखिए। और दोस्तों ये जो वॉल्यूम बटन है और ये पावर ऑफ बटन है दोस्तों, इस तरह से आपको दिया जाएगा। और मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो गाइड बुक है आप इसे पढ़ के सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो रेडमी का यूएसबी केबल है और यहाँ पर देखिए ये जो एडाप्टर है पावर एडाप्टर। दोस्तों ये है फास्ट पावर एडाप्टर यानी कि फास्ट चार्जर है, काफ़ी अच्छा है। 0.35 एम्पीयर 5 वोल्ट का है। दोस्तों ये इस फास्ट चार्जर है, काफ़ी इस फोन में ये जो चार्जर होता है वो फास्ट चार्जर होता है और ये केबल भी है। उसके साथ दोस्तों ये जो पिन है आप देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है, तो चलिए हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कोई चीज़ है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर तो कोई चीज़ है नहीं है और यहाँ पर इसे निकाल देते हैं ये जो पिन है। दोस्तों आपको इस तरह से पिन दी जाएगी, तो इस तरह से ये पिन है। तो चलिए हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है Redmi Note 5 का जी Redmi Note 5 Pro का फ़ोन है। तो काफ़ी मज़ेदार फ़ोन है और जो इसका जो सेल्फी है, और मैंने यहाँ पर इस फ़ोन को सेल्फी के लिए मैंने मंगवाया है। तो काफ़ी मज़ेदार का फ़ोन है और काफ़ी सारे लोग उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो अनबॉक्सिंग करने का मेरा जो रीज़न था कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ ना निकले, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पर इसका अनबॉक्सिंग कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसे निकाल देता हूँ। ये कौन सी चीज़ है, चलिए दोस्तों मैं इसे इस पावर बटन पर इसे दबा देता हूँ और यहाँ पर इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ किस तरह से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने इस फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कौन सी सर्विस अवेलेबल है, दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोन है कंप्लीट सेट हो चुका है और यह कुछ लिख के आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस तरह से शुरू होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश है, तो इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम है, तो इसी लैंग्वेज को सेलेक्ट ही रहने देना है। उसके बाद हमें बैक जाना है और बैक जाने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह से शो मतलब किस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको उल्टा दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर ये जो फ़ोन है उसमें आपको उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसे यहाँ पर हमें क्या करना है, चूज़ योर रीज़न। तो हमें यहाँ पर रीज़न सेलेक्ट कर लेना है यानी कि यहाँ पर मैं कौन हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर चूज़ योर रीज़न में आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है इंडिया। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इंडिया। दोस्तों आपको इस तरह से इंडिया को सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से जो शो होगा यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। दोस्तों आपको इस तरह से नेक्स्ट करना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पर लिखा है ऐड नेटवर्क, तो आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको कोई नेटवर्क ऐड नहीं करना है। मैं सिंपली यहाँ पर स्किप कर लेता हूँ, स्किप करना है। और स्किप करने के बाद दोस्तों आपको टर्म्स एंड कंडीशन है जो इस फ़ोन की, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है, तो सिंपली आपको वो सब कुछ उल्टा दिखाई देगा लेकिन इस तरह से होगा। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है।
और यहाँ पर ये चीज़ पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिम कार्ड इंसर्ट करने के लिए बोलेगा। अगर आपके पास सिम कार्ड है तो आपको सिम कार्ड इंसर्ट करना है, यानी कि मेरे पास अभी तक इंसर्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर गूगल का जो अकाउंट सेट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कोई अभी तक अकाउंट नहीं है। तो सिंपली मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पर एग्री का नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें एग्री करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्री कर दिया है, जस्ट सेकंड। तो यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट बोल रहा है कि आपको फिंगरप्रिंट सेट करनी है नहीं करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट सेट नहीं करूँ, या तो कोई लॉक स्क्रीन सेट करने वाला नहीं हो, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग्स जो हो रहा है, तो हमें कोई भी सेटिंग्स नहीं कर, सब कुछ अलाउ है, तो अलाउ रहने देना है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो मोबाइल फ़ोन इस तरह से मतलब कि डिफ़ॉल्ट रहने देना है आपको। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट भी या तो लिमिट लेस, यहाँ पर आप लिमिट लेस में भी देखिए यहाँ पर इस तरह से दो ऑप्शन आएगा, तो हमें डिफ़ॉल्ट रहने देना है और नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ पर जो सेटअप्स है कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर लिखा है सेटअप्स कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरह से सेटअप्स कंप्लीट करना है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, ये जो फ़ोन के अंदर आपको इस तरह से सेटअप्स कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें नेक्स्ट मतलब कि यहाँ पर हमें इस तरह से सेटअप कर लेना है, और यहाँ पर दोस्तों मैंने सेटअप कर लिया है। यहाँ पर अभी जो मोबाइल फ़ोन लोड हो रहा है, तो लोड रहने देता हूँ, मतलब कि लोड पूरी तरह से लोड, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है लोड हो रही है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट लोड हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से फ़ोन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से फ़ोन ओपन हो गया है। तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, यानी कि लाओ तो दोस्तों ये जो मैं बैक कैमरा का जो रिज़ल्ट आपको बता देता हूँ कैसा है। तो ये देखिए दोस्तों ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन का अलाउ कर देता हूँ गैलरी के अंदर, और यहाँ पर आप देखिए देखिए दोस्तों ये जो फ़ोन का काफ़ी कमाल का फ़ोटो है, और मैंने इसे अभी कैप्चर किया, तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी। यहाँ पर मैं सेट करूँगा तो अलग अलग से यहाँ पर सेटिंग्स होता है, और यहाँ पर मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसका जो रिव्यू मैं, इसका जो परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं सब कुछ ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ फिर से, और फ्रंट कैमरा को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने फ्रंट कैमरा को ओपन कर लिया है, और मैं यहाँ से फ़ोटो कैप्चर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ़ोटो है मैंने कैप्चर कर लिया है, और देखिए ये जो कमाल का फ़ोटो शो हो रहा है, मतलब कि ये जो फुल एचडी में काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पर मैं आपको देखिए इसे बड़ा कर देता हूँ, तो काफ़ी कमाल का फ़ोटो है दिखता है। देखिए ये जो सब बहुत अच्छा है, यानी कि ये फ़ोन का रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट की बात करें, इसका रिजोल्यूशन की बात करें, तो काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन है, और काफ़ी दूसरे फ़ोनों के दूसरों फ़ोन काफ़ी सारे फ़ोन है 20,000 से ज़्यादा कीमत वाला, लेकिन उससे ज़्यादा कम परफॉर्मेंस है, तो काफ़ी यूज़फुल फ़ोन है, और उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि किस यहाँ पर मैं आपको, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट फ़ोन के बारे में, इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर डिवाइस का नाम है रेडमी, मॉडल नंबर है रेडमी नोट 5 प्रो, एंड्रॉयड वर्ज़न है 8.1.0, और उसके बाद देखिए एंड्रॉयड सिक्योरिटी MIUI वर्ज़न पर ये काम करता है। उसके बाद मॉडल नंबर है MI17S, CPU ओक्टा कोर मैक्स 1.80 GHz। और इसकी रैम की बात करें तो दोस्तों 6 GB रैम है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उसकी 6 GB रैम है, काफ़ी अच्छी बात है। और आपको कम नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो फ़ोन का जो सामने से रिफ्लेक्ट होता है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर और नीचे कर्नल वर्जन पे ये काम करेगा, और यहाँ पर दोस्तों
ये जो इसका जो अबाउट फ़ोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फ्लिपकार्ट के अंदर से आप परचेस करेंगे तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट में आपको 1,000 रुपीज़ कम, मतलब कि 1,000 रुपीज़ कम होगा। अगर आप अमेजोन से परचेस करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दोस्तों ये था ये फ़ोन का पूरा रिव्यू, मैंने आपको बता दिया इसकी फ़ोन इस फ़ोन का रिज़ल्ट और सब कुछ आपको बता दिया। तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है और आप काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ये मज़ेदार का फ़ोन है, आप इस फ़ोन को परचेस करके मज़े ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरह से और भी अनबॉक्सिंग में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद। तो दोस्तों फेस कैमरा की बात करें, सेल्फ़ी की बात करें, तो दोस्तों ये है सेल्फ़ी मेरा और मैंने MI Note 5 Pro से लिया है। और देखिए ये है रियर का, तो रियर का भी काफ़ी कमाल का रिजोल्यूशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वीडियोस है मैंने रियर कैमरा से शूट किया है, तो काफ़ी कमाल का वीडियो शूट हुआ है। समझे? तो बहुत काफ़ी यूज़फुल ये मोबाइल है और रियर कैमरा भी बहुत। आओ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से और भी वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस दोनों वीडियो को देख सकते हैं, और नीचे आपको दो चैनल दिखाई देगी, यहाँ पर क्लिक करके आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह से दोनों वीडियो को देखना है और ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है।